फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शॉपाहोलिक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इतने बड़े से प्रोडक्ट का। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, ये एक बीन बैग है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, ये कोई नॉर्मल बीन बैग नहीं है, ये एक डिजाइनर बीन बैग है। डिजाइनर कैसे? बिकॉज इसमें कोटेशन लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। नॉर्मल बीन बैग तो सभी को रखते हैं, रखना है तो डिजाइनर बीन बैग रखो। और ये जो बीन बैग मैंने मंगाया है, इसमें बीन्स फिल्ड है। आप बिना बीन्स फिल्ड वाले भी ले सकते हो, खाली कवर लो फिर बीन्स अलग लो, लेकिन एट द एंड वो महंगे पड़ते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल सजेशन है कि जब भी लो बीन्स फील्ड वाले लो, बिकॉज आपका अंदाज भी नहीं रहता है कि कितना बीन्स उसमें लगेगा, फिर या फिर कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। तो जो एक्चुअल कंफर्ट लेवल है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी मंगाओ बीन्स फील्ड वाले मंगाओ। और ये डिजाइनर है, इसलिए इसको कहीं भी रखो, बहुत ही ज्यादा कूल लगने वाला है। तो चलिए जल्दी से इसको हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है। और अगर आपको ये पसंद आए तो आप भी इसको खरीद सकते हो। बाइंग लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इसको खरीद सकते हो। पहले देख लो कैसा है। तो चलिए बिना किसी देरी के अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो इसको हमने पूरी तरह से खोल लिया है, अब टाइम है इसको बाहर निकालने का। तो बाहर निकल जा सिम सिम। अरे यार, निकालना भी इसको एक अलग ही टास्क है। तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद ये बाहर निकल चुका है, लेकिन इसके अंदर एक और प्लास्टिक है, तो उसको भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमेज़ॉन का बिल है, प्राइस इसका लिखा हुआ है, कितने में हमने खरीदा है इसको, खरीदा। तो अब फाइनली इस प्लास्टिक को भी हटा लेते हैं, फिर मैं आपको कोटेशन दिखाता हूँ इसका, कि एक्स्ट्रा कोटेशन एक्चुअल में कितना कूल है। तो फाइनली ये सारे प्लास्टिक्स के बाहर आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बीन बैग कुछ इस तरह से नज़र आता है। और जिस कोटेशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कूल लग रहा है, सब मोह माया है। तो इसको आप जब भी ऐसे साइड वेज में यहाँ पे अगर आप बैठते हो, तो यहाँ पे साइड में ये रिटर्न रहेगा, सब मोह माया है। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्लासी लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा बड़ा है। इसके साइज़ की बात करें तो ये ट्रिपल एक्सल साइज का है, और मैंने सबसे बड़ा साइज मंगाया, बिकॉज बड़ा है तो बेहतर है। और अगर हम कंपनी की बात करें तो ये कम्फी बीन्स का है। कम्फी बीन वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो कि बीन बैग्स बनाती है। और अगर हम अब प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, वो देख के ही आपको पता पड़ रहा होगा कि कितना ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। और जो कि एक्चुअली देखो, कोई भी अच्छी चीज़ आप लोगे ना, तो उसको आप देख के समझ जाओगे कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। स्टिचेस की बात करें तो बहुत ही अच्छे तरह से स्टिचिंग की हुई है, तो मेरे को एकदम इस चीज़ पर तो डर नहीं है कि इसका स्टिचेस कहीं से भी खुलने वाला है। और अब कम्फर्ट लेवल की बात करेंगे तो उसके लिए हमें बैठना पड़ेगा। तो चलिए अब जल्दी से इस पर बैठते हैं और देखते हैं कि इसका कम्फर्ट कैसा है और क्या आपको इसे लेना चाहिए या नहीं। तो फाइनली अब टाइम आ गया मेन चीज चेक करने का, कि ये कंफर्टेबल है भी या नहीं, कि सिर्फ इसका डिजाइन ही है। तो भाई साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। आप देख सकते हो फुल बॉडी यहाँ पे रिलैक्स हो जा रही है, और साइड में आप देख सकते हो कोटेशंस भी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहे हैं। लग रहे हैं ना? लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कोटेशन कैसा लगा, सब मो माया है। सो अगर आपको ये लेना है तो बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।